भोजपुर पुलिस ने नारायणपुर थाना अंतर्गत कलेक्शन एजेंसी 64,000 रूपए लूट के मामले में लूट के सामान बाइक के साथ तीनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के एजेंट से लूटकांड के तीन आरोपी को मरनपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित यादव व विशाल कुमार चौरी थाना क्षेत्र के भीखमपुर के निवासी हैं, जबकि तीसरा दीपक कुमार डिलिया गांव का निवासी है। एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड के फिल्म फील्ड स्टाफ उदय प्रकाश पांडे बक्सर जिले के बघेनगोला थाना क्षेत्र के पकड़िया चौक के निवासी हैं। उन्होंने 14 अगस्त को थाना में आवेदन दिया था, जिसमें उल्लेख किया था कि समय 7:30 बजे सुबह में नारायणपुर से कुल 64,170 रूपए वसूली करके आने के क्रम में मड़नपुर के पास बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने वसूल किए गए रूपये लूट लिए। उक्त कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु नारायणपुर थाना के थानाध्यक्ष राकेश कुमार एवं थाना के सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा रेड कर उक्त कांड में संलिप्त दो अपराधियों को भीखमपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इसमें संलिप्त दीपक कुमार को मड़नपुर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त बाइक एवं लूटे गए बैग भी बरामद किए गए। लूट के रुपए की बरामदगी के लिए पुलिस लगी हुई है। पुलिस की नारायणपुर थाना अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर बुलाई गई है। दरअसल मामला है कि 14 अगस्त को एक सूचना प्राप्त होती है, वादी उदय प्रकाश पांडे पिता श्री ललू प्रकाश पांडे पहाड़ी चौक बघेनगोला बक्सर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे एक फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है और जो कलेक्शन का काम करती है उसी में ये फील्ड स्टाफ के रूप में काम करते हैं। दिनांक 14 अगस्त को जो है ये करीब 7:30 बजे जो है शाम को ये नारायणपुर से कलेक्शन करके 64,170 रुपये कलेक्शन करके ये वापस आ रहे थे और उसी क्रम में जो है नारायणपुर थाना अंतर्गत एक स्थान है मरणपुर के पास में ही एक बाइक से तीन अपराध कर्मी वहाँ पर खड़े थे। उनको रोकते हैं और उनको भय दिखाते हुए जो है पिस्टल के बल पर ये उनका जो 64,170 रुपये रहता है इसको छीन लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जैसे हमें सूचना प्राप्त होती है एक टीम का गठन किया जाता है राकेश थानाध्यक्ष नारायणपुर के अध्यक्षता में और यह टीम लगातार छापेमारी करते हुए दो दिन में हम लोगों को कुछ हिंट मिल गया था और उसी के आलोक में जो है इसकी कल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सबसे पहले एक अपराधी कर्मी को भीखमपुर पुल के पास से जो कुछ लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये फिर किसी लूटपाट की जो फिराक में है और ये पहले भी घटना में शामिल था उसको जो गिरफ्तारी की जाती है तो वो स्वीकारोक्ति बयान में अपने बताता है कि कैसे कैसे कौन कौन तीन अपराधकर्मी थे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था तो उन तीनों को जो है फिर गिरफ्तार किया जाता है। तो इनके पास से जो लूटे गए बैग रहते वो भी बरामद होते हैं। हालांकि पैसे को ये वापस बांट दिए थे और दो दिन में इधर उधर खर्चा भी कर दिए थे। हालांकि उसकी बरामदगी की हमारी टीम प्रयासरत है तो बरामदगी में घटना में जो प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल था उसको बरामद किया गया है जो आप लोगों के समक्ष है। ये और साथ में जो लूटा गया बैग और इसमें जो उसमें कागजात है आप लोगों के समक्ष जो इसमें रसीद वगैरह टाइप के जो कागजात होते हैं वो सभी भी बरामद कर लिए गए हैं। और अभियुक्त है पहला है रोहित यादव पिता राजू यादव भीखमपुर चोरी कराने वाला है, दूसरा विशाल कुमार पिता राजनाथ सिंह भीखमपुर चोरी कराने वाला है और तीसरा दीपक कुमार पिता हरचरण सिंह डिलिया चोरी भोजपुर कराने वाला है। इस तरीके से तीनों इस घटना में जो शामिल अभियुक्त थे तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। थानाध्यक्ष के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और इससे हम लोगों ने पूछताछ भी की है। एक दो अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता है उस कांडों में भी इनकी जो है न सिर्फ रिमांड किया जाएगा बल्कि जो भी सामान इन लोगों ने चोरी किया चिन्हित किया उसको भी बरामद किया जाएगा। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल सोफा सेट पलंग आलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।